नमस्ते बच्चों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास 11 गणित एक्सरसाइज 16.2 के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी बेसिक जानकारी और एक्सरसाइज से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले होता है कि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हमें उसके बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए पहले मैं इससे संबंधित आपकी बेसिक जानकारी देता हूं, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 16.2 की बेसिक जानकारी की तरफ। ठीक है भैया, किसी घटना का प्रतिशत समष्टि उस परीक्षण से संबंधित सभी प्रश्नों का सर्व समुच्चय होता है, यानी यूनिवर्सल सेट, जो कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है। तो यदि हम किसी भी घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस घटना से संबंधित जो सारी की सारी जानकारी होती है वो उस घटना का सर्वनिष्ठ समुच्चय यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे अगर हमने एक सिक्के को दो बार उछाल दिया, तो एक सिक्के को दो बार उछालने में आपको पता है कि उसके कुल कंडीशन कितने बन के आ सकते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था 2 की पावर n के द्वारा आप बता सकते हैं कि एक सिक्के के द्वारा आप कितनी कंडीशन शो कर सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर कहा गया है एक सिक्के को कितनी बार उछाला, दो बार, तो 2 की पावर क्या लिख देंगे आप, 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 बराबर कितना आएगा, 4। तो कुल मिलाकर कितनी स्थिति बन सकती है, यहां पर आपकी 4 बन सकती है। वो कौन कौन सी स्थिति है, या तो दोनों सिक्कों पर हेड हेड आएगा, या पहले सिक्के पर हेड दूसरे पर टेल आएगा, या दूसरे पे पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या दोनों पर क्या आएगा आपका टेल टेल आएगा। तो कुल मिलाकर यह स्थिति आपकी बन सकती है जब आप एक सिक्के को दो बार उछालते हो। तो इससे संबंधित अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। नंबर 1, पटों की संख्या 2 है। जब पटों की संख्या 2 है तो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को दो बार उछाला गया तो उसमें पटों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो अधिकतम संख्या कितनी आएगी आपकी, 2, आप देख रहे हैं, तो पटों की संख्या केवल 2 आ सकती है। पहला क्वेश्चन आप इस में से इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पटों की संख्या कम से कम 1 हो, अर्थात पटों की संख्या कम से कम 1 का मतलब यह है कि 1 तो आनी चाहिए, 1 से ऊपर जितने भी होगी वो भी सभी इसी के अंदर आपकी एडजस्ट होंगी। बेटा यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि इन क्वेश्चन में वो कहीं पर अधिक से अधिक कह देता है तो कहीं पर वो कम से कम कह देता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। अगर कम से कम आपकी बात कर रहा है तो कम से कम वाला तो आपको लेना ही है, साथ ही साथ उससे ऊपर वाले सारे के सारे लेने हैं। जस्ट इसी के विपरीत अगर हम उल्टा सोचते हैं, अगर वो अधिक से अधिक की बात कर रहा है तो अधिक से अधिक कंडीशन में आपको अधिक से अधिक केवल वही लेना है जिसकी उसने बात करी है, और बाकी उससे नीचे वाले सारे लेने हैं, और जो वो है उसके अंदर ना भी आ रहा उसे भी आपको लेना है। अब जैसे यहां पर क्या कह रहा है, अधिक कम से कम 1 क्या आना है, पट, पट क्या होता है आपका टेल, तो अधिक से अधिक एक टेल की बात कर रहा है। तो देखिये यहां पे एक टेल है, यहां पे एक टेल है, और यहां पर 2 टेल, क्योंकि कम से कम 1 टेल की बात करी था तो अधिक से अधिक कितने टेल है इसके अंदर, 2। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से ये तैयार हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, चीतों की संख्या अधिकतम 1 हो, चीतों की संख्या अधिकतम 1 हो, अधिकतम वाली स्थिति में मैंने अभी आपको बताया है कि अधिकतम वाली स्थिति में केवल आप अधिकतम वही लेंगे जो आपने कहा है और उससे पहले वाले सारे। तो अधिकतम 1 टेल की बात कर रहा है, देखिए 1 टेल है, 1 टेल है, और यहां पर कोई भी टेल नहीं है। मैंने कहा था अभी कि जहां पर आपका अधिकतम की बात कर रहा है अधिकतम वही लेना है और उससे कम वाले सारे, और जहां पर वह उपस्थित नहीं है उसे भी आपको लेना है, इसलिए यहां पर टेल टेल भी आया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, द्वितीय उछाल में चित न आए, यानी कि दूसरी उछाल पर चित नहीं आना चाहिए, पट पर ले आ जाए, चित का मतलब हेड नहीं आना चाहिए। तो देखे अगर आप यहां बात करते हैं तो दूसरी उछाल पर आपका चित आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा दूसरी उछाल पर चित, तो हमने उठा के ये रख दिया, यहां पर आ रहा दूसरी उछाल पर चित तो ये हमने नहीं रखा, और इसके बाद यहां पर आपका दूसरी उछाल पर चित नहीं है तो ये भी हमने इसमें रख दिया। तो ये आ गई आपकी कंडीशन जब आपसे कहता है कि दूसरी उछाल पर केवल एक कोई भी चित उपस्थित ना हो। नेक्स्ट है आपका, चितों की अधिकतम संख्या 2, जब चितों की अधिकतम 2 संख्या बात कर रहा तो वही अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि अधिकतम वाली कंडीशन में आपको अधिकतम वही लेना है और उससे नीचे वाले सारे लेने हैं। तो अधिकतम 2 चित की बात कर रहा है, तो यहां पर आपके अधिकतम 2 चित ये रहे,
एक एरा और ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चीतों की संख्या दो से अधिक। अब उसने ये क्वेश्चन बना के रख दिया कि एक सिक्के को आपने दो बार उछाला तो उसमें दो से अधिक चीतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब एक सिक्का है उस सिक्के को आप दो बार उछाल लो तो अधिक से अधिक दो बार ही तो टेल आ सकता है या दो बार ही तो हेड आ सकता है। तो उसने कहा दो से अधिक चित आने चाहिए, दो से अधिक चित तो इसमें कोई भी नहीं है, अधिकतम मैक्सिमम आपके दो चित है, इसलिए इसे हमने कह दिया रिक्त समुच्चय या आप जिसे नल सेट कहते हैं, इसे हम फाइव से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि किसी भी घटना के होने पर आप कितनी कंडीशन बना सकते हैं और कुछ उन कंडीशनों को किस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते बच्चा घटना की परिभाषा की तरफ। घटना की परिभाषा क्या होती है? देखिये भैया, कि जब आप किसी भी क्रिया को कर रहे हो, उस क्रिया के करने के बाद जितने भी आपको कंडीशन प्राप्त होंगी वो सारी कंडीशन क्या कहलाती है? उसकी घटना कहलाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक सिक्के को आपने दो बार उछाला, तो एक बार एक सिक्के को दो बार उछालने पर आपकी कुल कितनी कंडीशन बन के आई थी? चार। तो वो चार कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? उसकी घटना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट घटना के प्रकार। घटना के प्रकार नंबर एक आपका असंभव घटना। बेटा असंभव घटना हम किसे कहते हैं? वह घटना जो उपसमुच्चय, जिसका उपसमुच्चय कैसा आना चाहिए? रिक्त समुच्चय आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? असंभव घटना। जैसे अभी आपका यहां पर भी था चितों की संख्या दो से अधिक, चितों की संख्या दो से अधिक थी नहीं, इसलिए आपने इसे क्या रख दिया था? रिक्त समुच्चय रख दिया था। तो ऐसी घटनाएं जो होती नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब यह होता है कि यदि एस का जो उपसमुच्चय स्वयं ऐसे ही प्राप्त हो जाता है, एच का उपसमुच्चय स्वयं ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। देखिए, ये आपका क्या था जो हमने घटना प्राप्त करी थी? ये थी आपकी S, और देखो इस S से हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? इस S से हमारा ये ऐसे ही प्राप्त हो गया था जहां पर आपकी थी चितों की अधिकतम संख्या दो। तो इस ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सरल घटना। सरल घटना बेटा हम किसे कहेंगे? यदि किसी घटना में केवल एक प्रतिदिश बिंदु उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल घटना कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर प्रतिदिश समष्टि ज्ञात करी थी, उसमें से हमने कोई भी एक रख दिया, हेड टेल रख दिया या टेल हेड रख दिया, ये क्या कहलाएंगे? आपकी सरल घटना कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिश्र घटना। मिश्र घटना हम उन घटनाओं को कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक बिंदु आपके प्राप्त होते हैं, उन घटनाओं को मिश्र घटना कहते हैं। जैसे अभी आपका प्रतिदिश समष्टि था, उसमें हेड हेड था, हेड टेल था, टेल 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 हेड था और टेल टेल था, तो ये सारी घटना आपकी क्या कहलाएंगी? इसमें मिश्र घटना कहलाएंगी। इसके बाद आता है पूरक। पूरक क्या होता है? देखिए, पूरक घटना, एक घटना ए के सापेक्ष एक पूरक घटना ए डैश जिससे बी होती है, इसे हम ए डैश से भी या ए नहीं से भी बिलोंग करते। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपका ए डैश आ जाए वहां पर आपकी क्या होती है? पूरक घटनाएं होती हैं, और इन पूरक घटनाओं के बारे में आपने पहले वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो यदि आपको ए डैश निकालना है तो आपको पता उसके लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जाता है, उस यूनिवर्सल सेट में से आप एक और एक आपको सेट दिया जाता है ए, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आपको ए डैश निकालना है तो आपको बहुत सारे पॉइंट लिखने होते हैं जो आपके ए में नहीं है, तो वो क्या आ जाता है? इसका ए डैश आ जाता है। तो इसे ए डैश को हम ए डैश भी कह सकते हैं या ए नहीं के नाम से भी जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कहीं पर आपका लिखा हुआ है, सवाल पूछा जा रहा है ए नहीं है, तो ए नहीं का मतलब यह कि आपको ए का पूरक ज्ञात करना है वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका घटना ए या बी, अर्थात कहीं पर अगर ऐसा आया हुआ है घटना ए या बी, इसका मतलब होता है आपका यूनियन, और यूनियन आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये जो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिए हैं। बस अंतर इतना है कि वहां आप इंटरसेक्शन या यूनियन या पूरक के रूप में पढ़ रहे थे, यहां पर कुछ और तरीके से आपको शो किया जाएगा। तो अगर घटना ए या बी की बात कहीं आती है तो उसे आप ए यूनियन बी बोलते हो, और ए यूनियन बी को आप ए या बी के नाम से भी जान सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पर ए या बी लिखा हुआ है वहां पर आपको इसका मतलब यूनियन लेते हुए चलना है, अर्थात यूनियन मानते हुए सवाल को हल करना है। नेक्स्ट है आपका यदि कहीं पर ए और बी लिखा हुआ है, जैसे या था, फिर अगर आपका कहीं पर और लिखा हुआ है तो और का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, हमें दो सेट देता है, उन दोनों सेटों में से जो कॉमन होता है वही क्या कहलाता है? आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन को ए या
और बी के नाम से आप जान सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और लास्ट है आपका घटना एक किंतु बी नहीं, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है घटना एक किंतु बी नहीं तो इसका मतलब होता है आपका माइनस। दो सेटों को आपको प्लस करना भी सिखाया था और दो सेटों को आपको माइनस करना भी सिखाया था। तो यदि कहीं पर लिखा हुआ है ए किंतु बी नहीं तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी, और ए माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए किंतु बी नहीं, या ए माइनस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, जब इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तभी आप आगे का कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में, इस पार्ट में मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, आने वाले पार्ट में मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।